गाइस वेलकम टू इंडिया ट्रिप 2023। हम लोग जा रहे हैं थाने महाराष्ट्र से लोनावला, और ये देखिए आसपास कितना सुंदर है। मॉनसून का टाइम है और ये कई सारी टनल्स आती हैं बीच में, दिस इज़ वन ऑफ द टनल्स। और आप पीछे जॉर्ज माइकल को सुन सकते हैं क्रूम करते हुए केयरलेस विस्पर्स, ऑल टाइम फेवरेट, अमेजिंग। जस्ट टू टेल यू गाइज, वी आर ड्राइविंग ऑन मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। बहुत ही अमेजिंग हाईवे बनाया है इन्होंने, और अगर आपने धूम मूवी देखी है तो उसमें जॉन अब्राहम को आपने देखा होगा बड़ा सा ट्रक चलाते हुए। तो मैं आपको बता दूँ, हम लोग जा रहे हैं लोनावला में लीला कॉटेज, तो ये एक लोकेशन है वीकेंड गेटवे, एंड 2.5 घंटा करीब हमें लगेगा यहाँ से पहुँचने में। एंड देखते हैं वहाँ पे हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसी जगह है। ये देखिए एकदम रेन वॉश्ड सीनरी है, सामने हल्की सी धुंध नज़र आ रही है और लश ग्रीनरी है चारों तरफ। गाइज वेलकम टू लीला कॉटेज लोनावला, लाल टंकी के पास कॉटेज, 36 नंबर की ये कॉटेज है, 36। इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉटेज, ये कोई मुंबई के रहने वाले हैं उन्होंने यहाँ पे ये कॉटेज खरीदी है, जिसमें लोग वीकेंड पे या वेकेशन पे आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ से एंट्री है, इसका सिर्फ एक ये है कि थोड़ी सी सीढ़ियाँ ज़्यादा हैं और हमने ऊपर अपनी गाड़ी पार्क करी है। ये सीढ़ियों से उतर कर आप आएंगे तो ये कॉटेज, एंड इधर से एंट्रेंस है, और यहाँ पर इनके हाउस कीपर रहते हैं मिस्टर कदम जी, जो कि आपको खाना बनाकर दे देंगे अगर आप उनको प्री ऑर्डर करोगे। तो देखिए यहाँ से अगर आप राइट लेके चलेंगे तो पीछे इनका बैकयार्ड आ जाएगा, विच इज़ अ स्प्रॉलिंग लैविश गार्डन। बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हो रहा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और दुनिया भर की ग्रीनरी है यहाँ पर। ये देखो आप, सो ब्यूटिफुल। ये इनका पोर्च है और इधर से एंट्री है लिविंग रूम की, जो कि पैंट्री के साइड से भी है और इधर ये बैक से लिविंग रूम की एंट्री है। और ये दूर अगर आप देखो तो एक येलो ब्रिज है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों के बीचों बीच आ गए हैं। अमेजिंग प्लेस है एक्चुअली, थाने से 2.5 घंटे की ड्राइव में। तो देखिए ये है एंट्री, दिस इज़ द एंट्री टू पैंट्री। ये कुकिंग गैस है पर इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करी है कुकिंग, हीटिंग केटल और ये माइक्रोवेव दिया है। ये सारा सामान हम घर से लाए हैं चाय बनाने के लिए, जग पे थोड़ा सा दूध डाला है, चाय पत्ती, इलायची और पानी डाला है, एंड दिस वी विल वार्म इन द माइक्रोवेव। खाने का ऑर्डर हमने कदम जी को दे दिया है, एंड दिस इज़ द वॉशिंग मशीन विच वी विल नॉट प्रोबेबली यूज़ बिकॉज वी आर हियर ओनली फॉर 1 डे एंड 1 नाइट। तो ये देखिए 5 मिनट माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद ये गर्मा गर्म इलायची और गुड़ की चाय तैयार है। तो देखिए ये पैंट्री ओपन्स टू द डाइनिंग स्पेस, ये हमारा 2 नॉन वेज और 2 वेज थाली का ऑर्डर तैयार है। पैंट्री के जस्ट बाद ये है लिविंग एरिया, लिविंग एरिया ओपन्स टू द बैकयार्ड जो कि मैंने आपको अलग साइड से पहले दिखाया था, एंड यहीं से ऊपर बेडरूम के लिए सीढ़ियाँ हैं। तो फ्रेंड ये देखिए ऊपर जाते हुए बेडरूम्स की तरफ, ये ऊपर आ गए हम और ये 2 बेडरूम्स हैं। दिस इज अ बिग बेडरूम, मे बी द मास्टर बेडरूम। इट इज फ्लैंक्ड बाय ब्यूटिफुल दिस सिटिंग स्पेस। आई थिंक ये बालकनी थी जो कि इन्होंने कवर कर दिया, और यहाँ पे ग्लास की विंडोज लगाकर दे हैव मेड अ सिटिंग स्पेस। और इस बेडरूम से बाहर निकलकर ये सामने ये कॉमन बाथरूम है दोनों बेडरूम्स के लिए, दिस इज द सेकेंड बेडरूम। और ये देखिए बब्बा यहाँ पर एंजॉय करते हुए व्यू को। बब्बा कैसा लग रहा है यहाँ के? बढ़िया, पहाड़ जैसा नहीं लग रहा बिल्कुल? गोवा में भी ऐसा ही था। और ये देखिए वेदर, रेन और सन,
चाहे बारिश आए चाहे तूफान, देयर इज ऑलवेज टाइम फॉर अ क्विक फोटो शूट। इससे पहले कि दोबारा बारिश आती, हम दोनों ने फटाफट एक फोटो सेशन कर लिया नेचर के बीच। सो गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ट्यूजडे मॉर्निंग। मंडे को हम लोग यहाँ पर आए थे एंड 12 बजे चेकआउट कर रहे हैं। बिकॉज इट वॉज रेनिंग ऑल द टाइम, तो हम लोग ज़्यादा आउटिंग नहीं कर पाए। आउटिंग के लिए यहाँ पर लोनावला लेक है और भूशी डैम है, जो कि मेन अट्रैक्शन है, प्लस लोनावला की लोकल मार्केट। और ये देखिए, ये ऊपर रोड है जहाँ की हमने अपनी गाड़ी पार्क करी थी। आसपास ये सारे विलाज हैं, इनके ओनर्स कोई मुंबई में रहते हैं, कोई पुणे में रहते हैं। ये इनकी वेकेशन रिट्रीट है। और एक बार फाइनली आपको ये दिखा दूँ, दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव, लीला कॉटेज। और देखिए, ये बाहर निकलते हुए करीब 500 मीटर का ये बहुत ही सुंदर रास्ता है, प्रॉपर रोड है। और चंद्रिका सोसाइटी नाम की ये सोसाइटी है जहाँ लीला कॉटेज है। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि चलने से पहले हमने बड़ा लैविश सा ब्रेकफास्ट किया था, जो बड़ा लविंगली कदम जी और उनकी वाइफ ने बनाया था। आलू के पराठे, दही और मिसल पाव। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ट्रिप वॉज रियली द अमेजिंग फूड। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है खंडाला शहर या लोनावला। पीछे आमिर खान का गाना बज रहा है, आती क्या खंडाला। खंडाला और लोनावला एक्चुअली ट्विन हिल स्टेशन है एकदम आसपास। और इसमें आमिर खान कह रहे हैं कि चिक्की खाएंगे, तो हम भी अब नेक्स्ट शॉप ओवर लेंगे मगनलाल की चिक्की शॉप पे, वन ऑफ द फेमस अट्रैक्शंस। देखिए मगनलाल की चिक्की शॉप जो मेन मार्केट में है खंडाला की। तो मगनलाल की चिक्की की थोड़ी सी शॉपिंग करके हम आगे मुंबई की तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए क्या बढ़िया नज़ारा है, पहाड़ों के बीचों बीच ट्रेन जा रही है। वेरी शॉर्ट एंड स्वीट विजिट टू लोनावला। थैंक यू।